लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर खाद्य विभाग ने डेयरी से लिए दूध और पनीर के सैंपल, महावीर डेयरी से जब्त किया 510 किलो पनीर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र संगठन कर रहे कुलपति की मांग, कांग्रेसी नेताओं ने इंदौर से राजभवन भोपाल तक शुरू की पैदल यात्रा। सुपर कॉरिडोर पर बाइक सवार बदमाशों ने एक्टिवा सवार दो महिलाओं का बैग छीना, थाना सीमा को लेकर ही उलझी रही थाना पुलिस। शैम्पू डिटर्जेंट और केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने वाली भिंड जिले के लाहार की गिरिराज डेयरी और गोपाल लीचिंग सेंटर पर एसटीएफ की दबिश के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसटीएफ द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों को सील करने के बाद फूड सेफ्टी विभाग प्रदेश भर में सिंथेटिक दूध की आशंका के चलते डेयरी और लीचिंग सेंटर की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी मंगलवार को शहर में डेयरी फार्म पर जांच के लिए टीम पहुंची। टीम ने MR10 स्थित महावीर डेयरी से 510 किलो पनीर जब्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सुबह इंदौर में डेयरी फार्म पर सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम शहर की 10 से ज्यादा डेयरी फार्म पर पहुंची और वहां के दूध के सैंपल लिए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर डेयरी फार्म पर छापेमार कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान टीम ने देव नारायण मिल्क, महावीर डेयरी, मदनी मिल्क और एरोड्रम क्षेत्र की कृष्णा डेयरी सहित शहर की अन्य डेयरियों पर पहुंचकर दूध के सैंपल लिए। जांच के दौरान कुछ डेयरियों पर टीम को अनियमितताएं भी मिली, जिस पर संचालकों को नोटिस दिए गए। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव और फूड अधिकारी मनीष स्वामी की टीम ने महावीर डेयरी से 510 किलो पनीर जब्त किया है। नियंत्रक खाद्य उसी प्रशासन के निर्देश पर शनिवार से ही दूध और दूध के मिल्क के सैंपलिंग चालू करा था। बृहद अभियान चलान किया है। आज कलेक्टर महोदय के आदेश पर ADM साहब के नेतृत्व में हमारा दल जो है उनके साथ ही कार्रवाई कर रहा है और लगभग आठ नमूने हम एकत्रित कर चुके हैं बड़ी डेयरियों से, और इसके साथ ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी खाद्य मंत्री प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच उपरांत जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर माननीय ADM महोदय के यहाँ न्यायालय में बात प्रस्तुत किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करीब एक माह बीतने के बाद भी कुलपति का नाम तय नहीं हुआ है, जिसके बाद अब छात्र संगठनों के कई लोग कुलपति की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मंगलवार को इंदौर से राजभवन भोपाल तक पैदल यात्रा शुरू की। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि करीब 28 दिन बीतने के बाद भी कुलपति नियुक्ति नहीं होने पर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। कुलपति की मांग को लेकर कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल अपने कुछ साथियों के साथ गांधी भवन इंदौर से राजभवन भोपाल तक 4 दिनी पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उनका कहना है कि भोपाल पहुंचकर वह कुलपति की मांग रखते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार के चलते कुलपति की मांग को लेकर भोपाल तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि राजभवन से भाजपा वाला रवैया चल रहा है। नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इंदौर देवी लाल विश्वविद्यालय में 17,500 छात्रों का भविष्य दांव पे लगा है। 7,000 डिग्रियां रुकी पड़ी है। पूरा विश्वविद्यालय की व्यवस्था ठप कर दी। एक ग्रेड विश्वविद्यालय की हालत बद से बदतर कर दी गई है। ये सब राजभवन की साजिश है, जो कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का इनका खूब प्रयास चल रहा है। आज हम उन बच्चों की आंखों में आंसू देखते हैं, उनके माता पिता की आंखों में आंसू देखते हैं। आज इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। राजभवन पहुंचेंगे हम 4 दिन में। दिलीप जोशी जी, मोहन कसेरा जी, तीनों साथ में जा रहे हैं इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च में। ये कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ राजभवन जागे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। एक बार फिर इंदौर पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है।
सुपर कॉरिडोर पर बाइक सवार बदमाश एक्टिवा पर जा रही दो महिलाओं का बैग छीनकर भाग निकले। घायल महिलाएं जब रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची तो एरोड्रम और बाणगंगा पुलिस केस दर्ज करने के बजाय अपने अपने सीमा क्षेत्र में ही उलझी रही। दोनों थानों के टीआई एक दूसरे पर मामला टालते रहे। घटना के वक्त वहां गिरे बच्ची के रुमाल से थाना सीमा तय हो पाई और 19 घंटे बाद बाणगंगा पुलिस ने केस दर्ज किया। घटना इंदौर के चर्चित सुपर कॉरिडोर की है। बताया जा रहा है कि गांधीनगर की ममता शर्मा अपनी एक्टिवा पर अपनी 5 साल की बेटी राधिका, सहेली प्रेमलता ठाकुर और उनके बेटे के साथ रविवार रात 8:30 बजे इस्कॉन मंदिर से घर लौट रही थी। वे सुपर कॉरिडोर ब्रिज उतरे ही थे कि पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने ममता के कंधे पर टंगा बैग छीन लिया। इससे एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ा और वो काफी दूर तक रगड़ाते हुए गयी। जख्मी महिलाएं और बच्चियां बेसुध पड़ी रही। तभी उज्जैन से लौट रहे गरीब नवाज कॉलोनी के पंकज परमार ने उन्हें पड़ा देखा। उनकी मदद के लिए 108 एम्बुलेंस व डायल 100 को फोन भी किया। सूचना पर गांधीनगर की पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को गांधीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। थोड़ी देर बाद घायलों के परिजन मददगार पंकज को लेकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए एरोड्रम थाने पहुंचे। इस पर एरोड्रम टीआई अशोक पाटीदार और बाणगंगा पुलिस घटनास्थल पहुंची। दोनों पुलिस एक दूसरे की सीमा ना होने का कहकर रिपोर्ट लिखने से बचती रही। परिजन का आरोप है कि वे अगली सुबह रिपोर्ट के लिए बाणगंगा थाने पहुंचे तो टीआई इंद्रमणि पटेल ने अपना क्षेत्र मानने से इनकार कर दिया। एसपी की फटकार के बाद बाणगंगा टीआई ने जख्मी महिलाओं को थाने बुलाया और फिर अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें घटनास्थल ले गए। वहां से तय होने के बाद सोमवार शाम 4 बजे FIR दर्ज हुई। ममता के परिजनों का आरोप है कि दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल को ना तो अपना क्षेत्र मान रही थी और ना ही रिपोर्ट दर्ज कर रही थी। ममता के देवर सचिन को मौके पर बच्ची का रुमाल मिला तो उन्होंने रुमाल का फोटो भाभी को व्हाट्सएप किया। ममता ने बेटी का रुमाल पहचान लिया। टीआई अपना इलाका न होने की बात कहते हुए वहां से निकल गए। मंदिर से आ रहे थे तो रास्ते में दो आदमी आए और पर्स लेकर भाग। अच्छा, आपकी आप एक्टिवा पे थे? हाँ। कितने लोग थे जिन्होंने टक्कर आपसे? दो लोग थे। काहे पर थे वो लोग? टू व्हीलर पे। अच्छा, एक अचानक से हुआ पूरा घटनाक्रम? हाँ। मैं आ रहा था रास्ते में से। हाँ। ये रास्ते में पड़े हुए थे। अच्छा, तो क्या ध्यान दिया? एकदम मैं तो आगे निकल गया थोड़ा सा। हाँ। फिर आया रिटर्न वापिस पलट के आया। इनकी गाड़ी देखी मैंने। हाँ। पड़ी हुई थी और ये भी दी थी एक बड़ी वाली। हाँ। वो साइड में रुके हुए थे। अच्छा। पड़े हुए थे। क्या घटना हुई? नहीं भैया, ये बता रहे हैं कि कोई है ना दो लड़के। हाँ। इनका बैग छीन के भागे तो इनका बैलेंस बिगड़ गया तो ये गिर गए थे तीनों, चारों जने। तो आपने मदद करी? हाँ, बस लेके मैं इधर ही आया हूँ बस। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल के दौरान कई रिकॉर्ड बने, लेकिन इन रिकॉर्ड्स पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को भी घेरे में लिया। यादव ने क्राइम ब्रांच की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा कि पुलिस ने भाजपा के राजनीतिक दबाव के कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में जांच रिपोर्ट के फ्रॉड मनीष विश्नोई के अपराध स्वीकार करते हुए जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट देने की नाकाम कोशिश की है। यादव के मुताबिक इस ऐतिहासिक फर्जीवाड़ा पुलिस ने जांच रिपोर्ट में स्वीकारा है और करोड़ों का घोटाला होना भी पाया है। उनके अनुसार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कर्ता धर्ता मनीष विश्नोई के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी भाजपा के राजनीतिक दबाव के चलते प्रकरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ा योगदान है और हिस्सेदारी है। जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं वो बीजेपी नेताओं के बने हैं। इंदौर में जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं वो बीजेपी के स्थापित नेताओं के बने हैं। कोई कटोरी इकट्ठी कर रहा है, कोई चम्मच इकट्ठी कर रहा है, कोई टोकनी इकट्ठी कर रहा है। 300 नगर पालिकाओं में इन लोगों ने अवार्ड बांटे हैं और शासकीय पैसा 1-1.5 लाख रुपये लूटा है वहाँ से प्रोत्साहन राशि के रूप में। इसकी जाँच रिपोर्ट में कहीं उल्लेख ही नहीं है। मैं आपको जाँच रिपोर्ट बताता हूँ, आप आश्चर्य करोगे कि ये जांच रिपोर्ट है पुलिस प्रशासन की। इसमें आप देखेंगे मैंने सब जगह इंगित करा है और ये जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है। ये जो इसमें वो स्वीकार कर रहा है कि मैं फर्जी हूँ। MVD चेहरा नाम का जो व्यक्ति है वो है ही नहीं। तो मेरा तो ये भी कहना है कि हो सकता है उसकी हत्या हो गई, हो सकता है मनीष विश्नोई ने उसको मार दिया हो। वो पुलिस इस मामले में जाँच ही नहीं कर रही। ये तथ्य है, इसमें पुलिस खुद लिख रही है, क्राइम ब्रांच लिख रही है कि हम ये सब जानते हैं।
और ये अपराध हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये शब्द हैं। इस रिपोर्ट की आप कॉपी लीजिए, पूरे देखेंगे। ये ईडी को पत्र लिखा है पुलिस ने। अब ईडी को पत्र लिखने का मतलब ये है कि हवाला कांड हुआ है, आप ईडी से जांच कराना चाहते, लेकिन आपने अपनी जांच में क्या करा? कुछ नहीं। उसको बरी करने की कोशिश करी, उसको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट में कि ये कुछ ऐसा अपराध है नहीं जो आपस में लेन देन का। भाई अपराध तो जब होता है जब दो लोग आपस में लेन देन सब जगह करते हैं, प्लाट खरीदते हैं, सेबी में शेयर ट्रांजेक्शन कर, दो ही लोग तो होते हैं, कोई पूरा समूह थोड़ी करता है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश को लूट रहा है, छत्तीसगढ़ को लूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर के भवरकुआ क्षेत्र में सालों से सैकड़ों गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। इन भवनों को अब नगर निगम के अमले जमींदोज करना शुरू कर दिया है। इधर निगमायुक्त की माने तो निगम अमला अगले 7 से 8 दिनों में भवरकुआ क्षेत्र के सभी अवैध हॉस्टलों को ढहा देगा। इंदौर का भवरकुआ क्षेत्र अवैध हॉस्टलों का गढ़ बना हुआ है। यहां दिन रात की चल रही गतिविधियों के चलते रहवासी पिछले लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। इसकी शिकायत इन रहवासियों ने पुलिस से लेकर जिला प्रशासन को दर्जनों बार की, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई सटीक हल नहीं निकला। लिहाजा अब इंदौर नगर निगम ने ऐसे अवैध हॉस्टलों को ढहाना शुरू कर दिया है। निगम की इस पूरी मुहिम में लापरवाह भवन अधिकारी विवेक जैन की भी बलि चढ़ गई। दरअसल निगमायुक्त ने जैन को लापरवाही बरतने के चलते निलंबित कर दिया है। चर्चा में निगमायुक्त आशीष सिंह बताते हैं कि अब किसी भी अवैध हॉस्टल संचालक की खैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई का प्लान बना लिया है। अगले 7 से 8 दिनों में निगम सभी पर कार्रवाई करेगा। ऐसी G+3 से ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें पार्किंग के प्रोविजंस थे, लेकिन उनका किसी न किसी तरीके से डायवर्जन अगर हो रहा है या वहाँ पर पर्याप्त रूप से व्यवस्थाएं हैं, उनका सर्वे कराया गया था, जिसमें से लगभग 176 के आसपास ऐसी संरचनाएं निकल कर आई हैं जहाँ पर पार्किंग का किसी न किसी रूप में वायलेशन है। उन सभी को नोटिस दे दिया गया है। बाकी का जो सर्वे होना है और बाकी के जो नोटिस इशू होने हैं, वो कार्रवाई भी अगले सोमवार तक कर दी जाएगी। जितने भी लोगों को हम लोग नोटिस दे रहे हैं उसमें 15 दिन का समय दे रहे हैं, और हमारी अपेक्षा ये है कि जो भवन स्वामी है उसी के द्वारा स्वयं वो जो भी बाधाएं हैं पार्किंग से संबंधित वो हटा ली जाएं। अगर वो उनके द्वारा 15 दिन के अंदर हटाने का काम नहीं किया जाता है तो फिर हमारे द्वारा अपना रिमूव लगा के उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पार्किंग के लिए उपयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर की पंचम की फेल में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को कठोर सजा दिलाने और फांसी की मांग को लेकर बैरवा समाज ने SSP को ज्ञापन दिया। इंदौर शहर में नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं बैरवा समाज ने कल हुई तुकोगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को देखते हुए SSP ऑफिस पहुंचकर रेप करने वाले 5 आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया और फांसी की सजा की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो घटना इस बच्ची के साथ हुई वह और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। बैरवा समाज के अध्यक्ष ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़कर अच्छा काम किया और कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटना हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, बैरवा समाज केंद्रीय समिति का। हम लोग आज SSP महोदया को ज्ञापन के लिए आए थे देने के लिए, और कल जो वाकया हुआ है एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है उसके खिलाफ हमारे पूरे समाज में रोष है, और समाज चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ हो। और पुलिस को जिनने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने, उनका संरक्षण भी पुलिस करे। क्या उनके घर वालों को धमकियां मिल रही है? उनको धमकियां मिल रही है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। बयान बदलने की कोशिश, बयान बदलवाने के, तो आप लोग ही बयान बदलवाओ तो उनका भी संरक्षण हो। दूसरा, समाज चाहता है कि इन अपराधियों की जो संपत्तियाँ हैं उसको रासात कर और उनके मकान वगैरह तोड़े जाए, जैसा कि अभी प्रशासन ये स्टेप उठा रहा है, इस टाइप के किए जाए और सख्त से सख्त सजा उनको दिलवाई जाए। जो वास्को एक्ट है उसको फांसी की सजा तक दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।